जशपुर एसपी प्रमोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना मिली कि टाउन थाना क्षेत्र के यदुवंशी नगर मंदिर के पास हथियार से लैस 4 से 5 लोगों ने बैठकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के चक्कर में है। सूचना मिलते ही सूचना का सत्यापन कराने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सह सहायक आरक्षी अधीक्षक प्रकाश चंद और नगर थानाध्यक्ष संजीव कुमार के साथ टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया, जिसके बाद गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यदुवंशी नगर मंदिर के चारों तरफ घेराबंदी कर छापामारी कर 4 आरोपियों को 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 7 गोली, 2 मोबाइल और 1 बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों ने कहां से और किसके पास से हथियार खरीदा है, इसकी भी जानकारी कर लिया गया है। साथ ही आरोपियों के आपराधिक इतिहास का भी पता लगाया जा रहा है। 3 आरोपी फरार हो गए हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापामारी की जा रही है। गिरफ्तार चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया, साथ ही महिला सिपाही की थप्पड़ वाले वायरल वीडियो की भी जानकारी दी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नगर थाना अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बुलाई गई है। नगर थाना अंतर्गत कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यदुवंशी नगर मंदिर है, वहाँ के आसपास जो है 5 से 7 अपराधी जो है जुटे हुए हैं और संभवतः कोई जो है संदिग्ध गतिविधि उनकी देखी जा रही है। तो जैसे तत्काल सूचना मिली, सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसमें नगर थाना अध्यक्ष और हमारी विशेष टीम जो थी डीआई वाली, इन लोगों ने जब छापामारी की दो तरफ से, तो उसमें से एक या दो संभवतः अंधेरा था, 2 अपराधी भाग गए हैं, लेकिन बाकी जो है हम लोग जो है टोटल जो है 4 अपराधियों को पकड़े हैं और जिनके पास से अपराधियों की तलाशी में 1 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इन अपराधियों का नाम है जी राम बिंद, पिता काशीनाथ बिंद, ये चादर बढ़ारा का रहने वाला है। दूसरा राजेश राम, ये कौना बढ़ारा का रहने वाला है। और तीसरा बंटी सिंह, पिता सत्यदेव सिंह, मटियारा गीधा ओपी के रहने वाला है। और चौथा मिंटू खान, पिता नसीम खान, मोलाबाग आरा नवादा का रहने वाला है। और इनके पास से जो है हम लोगों को कुछ और सूचना मिली है, कोई कहाँ से ये लोग हथियार खरीदते हैं, तो उसका नाम भी हम लोगों को पता है और बहुत जल्द हम लोग उससे भी टीम का गठन कर दिए हैं कार्रवाई करने के लिए। तो इस तरीके से जो है नगर थाना के द्वारा एक संभवतः कोई महत्वपूर्ण घटना होने से पहले जो है इसको जो है प्रिवेंटिव रोक दिया गया है। तो हम लोगों का जो है इसमें इनका जो आपराधिक इतिहास है उसको हम लोग पता कर रहे हैं कि अगर इनका कोई आपराधिक इतिहास है अन्य थाना से भी पता किया जा रहा है तो उसको भी इसमें रिमांड किया जाएगा। आप लोगों को सूचित करना है कि कल एक वीडियो वायरल हो रहा था कई मीडिया बंधुओं के माध्यम से या समाचार पत्र कई जगह वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, तो उसकी जांच की गई। तो जांच में तुरंत पता चला कि वो कोइलवर का वीडियो था जिसमें एक ड्राइवर महिला सिपाही को थप्पड़ मारते हुए देखा गया है। तो उसका हम लोग को जाँच जो प्रारंभ की है, हालांकि उसने बताया कि गलती से लगा, लेकिन तत्काल प्रभाव से मैंने उसको जो है सस्पेंड कर दिया है और निलंबित करते हुए उसको लाइन क्लोज कर दिया है। और बाकी दोनों से स्पष्टीकरण भी अलग से पूछा गया है और एक टीम का गठन कर दिया गया है जिसमें सहायक पुलिस अधीक्षक सदर जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं और उसमें एक महिला पदाधिकारी भी रहेंगी और ये जांच करेंगे इस घटना का कि घटना का कारण क्या था और क्या कोई ऐसा पुरुष एक विवाद था या तत्काल प्रभाव में कोई ये घटना घट गई है। तो इस तरीके से उसको कार्रवाई करते हुए उसको क्लोज कर लिया गया है। आगे की विभागीय कार्रवाई के लिए जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी।